नोएडा में नए मेट्रो कॉरिडोर की सरकार की मंजूरी मिल गई है। सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन मेट्रो कॉरिडोर की ये मंजूरी मिली है। दिल्ली ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा करेगी आसान, तो वहीं ब्लू मेजेंटा से जुड़ेगी एक्वा मेट्रो लाइन। नए मेट्रो कॉरिडोर में होंगे कुल 8 स्टेशन, करीब 2254 करोड़ रुपए और 35 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप मेट्रो की जो सुविधा है, जो लाइनें वो बढ़ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो यात्रा करना है वो काफी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, अब नए मेट्रो कॉरिडोर को सरकार की जो मंजूरी है वो मिल गई है, जिसमें जो एक्वा लाइन है सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन मेट्रो तक जुड़ेगी। देश की योगी सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक की थी और बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 39 प्रस्तावों को कैबिनेट की तरफ से हरी मंजूरी मिल गई, हरी झंडी मिल गई है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें विकास को रफ्तार देने के लिए या विकास करवाने के लिए तमाम जगहों पर एक बड़ा फंड यहाँ पे रिलीज किया गया है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर को यहाँ पे कनेक्टिविटी को तौर पर एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है। यहाँ से बॉटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे से होता हुआ रास्ता है, उसके साथ में से पिछले काफी समय से एक्सप्रेस वे के आसपास जो सेक्टर्स हैं या सोसाइटीज हैं, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि कनेक्टिविटी को लेके यहाँ पे मेट्रो का लाइन होनी चाहिए। और उसी को देखते हुए अब योगी सरकार की तरफ से इसको मंजूरी मिल गई है। 8 मेट्रो स्टेशन जो है वो तमाम इस एरिया में होंगे, इस दूरी के बीच में होंगे, करीब 11 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता होगा, जिसपे इस तरीके के मेट्रो स्टेशन और तमाम जो मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। एक बड़ी यहाँ पे आने वाले दिनों में जब कार्य शुरू होगा तो एक बड़ा फायदा जो है नोएडा एक्सप्रेस वे, चाहे वो सेक्टर 137 के आसपास की सोसाइटीज हो या सेक्टर 128 या सेक्टर 155 की कनेक्टिविटी की अगर बात करें, तो आने वाले दिनों में करीब 1 लाख के आसपास जो परिवार नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के आसपास जो बसे हुए हैं, उनको आने वाले समय में एक बड़ी राहत और एक बड़ा फायदा मिलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिव बहुत शुक्रिया आपका।